तो कैसे हो रांची के पब्लिक। तो गाइस अभी हम लोग रिंग रोड से गुजर रहे थे तो सामने में इधर धोनी सर का घर रास्ते में मिल गया, तो मैंने सोचा क्यों ना धोनी सर से थोड़ा सा भेंट मुलाकात कर लिया जाएगा। और ये विकास भैया भी है मेरे साथ। जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? बारिश कर लो। हाँ, जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हम बहुत अच्छा हैं। और हम लोग आज आए हैं, देखिए, गांव के लड़का धोनी सर को देखने के लिए। ये धोनी सर का घर है, किंतु हम लोग का नसीब बहुत ही खराब है, धोनी सर से तो मिल नहीं सकते। क्या पता अभी मिल सकते हैं। हाँ, शायद मिल सकते हैं। थोड़ा धरना प्रदर्शन देंगे यहाँ पे। हाँ, प्रदर्शन देंगे, लेकिन धरना प्रदर्शन देख के भी कोई फायदा नहीं लगा, उठा कर फेंक देगा। हम लोग का नसीब यही अच्छा है कि हम लोग धोनी सर को घर तो ना सही उसको मिलेंगे टीवी में, अपना दिल में धोनी सर को बैठा कर रखते हैं। बाकी गाइस, मैं तो एक बार पहले आ चुका हूँ, यहाँ का वीडियो बना भी चुका हूँ, जब मैं स्टार्ट में ब्लॉग बनाना शुरू कर रहा था तभी, और जैसे गुजर रहे थे तभी सोचे क्यों ना थोड़ा सा इसको भी दिखा दिया जाए, और अगर धोनी सर रहे तो थोड़ा मिल लिया जाए। तो अभी थोड़ा सा इसका जो गेट में है, गार्ड वगैरह जो भी है, तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ओ चचा, कोई नहीं दिख रहा अंदर में, देखते अंदर में कोई है क्या। ओ भैया, अभी कोई आ रहे हैं अंदर से, आ रहे हैं अंदर से, कोई देखते कौन है, कोई आ रहे हैं, गेट खुलने वाला है, देखते कौन आएगा। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड। घूम गया भाई, हम लोग को देख के पता नहीं कहाँ घूम गया यार, वो घूम गया हम लोग को देख के। तो गाइस, अभी हम लोग को सूत्रों के मुताबिक पता चला कि धोनी सर अभी घर पे नहीं है, और वो एक सप्ताह से कहीं बाहर है, और हम लोग सोचे कि हम लोग उनसे पूछे कि हम लोग कैसे मिल सकते धोनी सर से। तो उन्होंने बताया कि आप धोनी सर से यहाँ नहीं मिल सकते हैं, और अगर कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो वहाँ भी आप मतलब गाड़ी से रुक रख के नहीं, मतलब रोक नहीं सकते उसको, ठीक है। वो बहुत गलत बात है, और मैं भी जानता हूँ गलत बात है। तो और मतलब अगर आप मिलना चाहते तो आपको वहाँ पर धुरवा स्टेडियम जो है, JSCA स्टेडियम, वहाँ पे प्रैक्टिस करने आते हैं, तो आप वहाँ पे जाके मिल सकते हैं। अगर नसीब बढ़िया रहा तो वो भी मिल सकते हैं, नहीं तो नहीं मिल सकते, ठीक है। बाकी अभी पानी गिरने लगा, कहीं पे इसके घर के बाहर हम लोग ये कर रहे हैं, आश्रय ले रहे हैं। हाँ बोलिए। जो भी दोस्त धोनी सर से मिलना चाहते हैं, सर तो सुन लिए, सर बता दिए हैं कैसे आना है। और जो भी इनके फॉलोवर है मुझसे मिलना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में देखिए मेरे चैनल का नाम आ रहा है, मेरा वीडियो देखिए और मुझसे मिलिए, ठीक है। खुश रहिए, अच्छा रहिए, मिलते हैं मेरे चैनल पर, आपके लिए धन्यवाद। बाकी मैं आपको एक बार धोनी सर का ये दिखा देता हूँ, ये है बारा सिमालिया और ये है रिंग रोड में, आपको थोड़ा कैमरा में उल्टा आ रहा होगा, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं धोनी सर का, ये देखो वो जो आपको पीछे में दिख रहा है व्हाइट व्हाइट कलर का, मैं आपको अभी जूम कर दे, वो जो आपको पीछे में दिख रहा व्हाइट व्हाइट कलर का, वो है धोनी का पर्सनल घर ये। और गैस, ये जो घर है ये 7 एकड़ जमीन में फैला हुआ है, तो सामने से सिर्फ एक ही बिल्डिंग दिखता है, बाकी अंदर से नहीं दिखता, बहुत ही बड़ा घर है, और यहाँ पे गार्ड वगैरह भी रहते हैं बहुत सारे, और भी बहुत सारा रहते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सबको अच्छे से ही बात करते हैं, जो लोग आते हैं अच्छे से ही बात करते हैं, ऐसा नहीं कि दूसरों का ऐसा नहीं कि अरे निकलो उस तरह कुछ नहीं करते, ठीक है। हम लोग को और भी बहुत सारे, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे इसका घर आके, और देख सकते हैं साइड में रिंग रोड है। तो वीडियो का यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा जो मेहनत इधर तक गुजर रहे थे और जो मेहनत करके थोड़ा सा सांस करके यहाँ पे आए तो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, और धोनी सर से अगर मैं मिलना चाहता हूँ, और अगर आपको वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर, टिल देन जय हिंद जय भारत।